साईं, ये ठीक तो हो जाएगी ना? साईं, जल्दी कुछ करो। साईं, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? साईं, कुछ तो बोलिए। साईं, जवाब दीजिए साईं। रुकिए साईं। साईं रुकिए। आप कहाँ ले जा रहे मेरी बेटी को? साई, मेरी बच्ची को लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? अगर इलाज नहीं करना था तो मना कर देते, पर इस तरह लेकर जाना। बड़ा नाम सुना था आपका, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हमें यहाँ आके भी निराशा ही हाथ लगी। आओ, शांत हो जाइए। शांत ही रहूंगा मैं। हमसे बिना पूछे आप नवजात शिशु को ले जा रहे हैं। एक बार भी सोचा आपने इसकी माँ पर क्या असर होगा? अरे उसे तो ये भी नहीं पता कि बच्ची किस हाल में है। ईश्वर ना करे इस बच्ची की हालत बिगड़ जाए तो उसकी माँ की हालत क्या होगी? जिसने अपने पेट पर रख के उसको पोसा और दर्द सह के जन्म दिया, एक बार भी ख्याल आया आपको? एक बार भी एहसास हुआ आपको कि आप बच्चे को दूर ले जा रहे हैं, उसे अलग कर रहे हैं? आपको उस माँ की बहुत चिंता है जिसने अपनी बच्ची के साथ कुछ पल बिताए। अच्छी बात है, पर श्रीपाद जी, उस मां का क्या जिसने अपने बच्चे को एक साल तक पाला हो और एक इंसान की जिद की वजह से उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ गया। बताइए क्या बीती होगी उस मां पर जिसके सामने पिता या पुत्र किसी एक को चुनने का विकल्प रखा गया होगा। बोलिए। कुछ याद आया श्रीपाद जी? ये सब आप कैसे जानते हैं? ये सब मैंने उस बेटी की आंखों में देखा है। वो दिन, वो घटना, वो आज भी भूल नहीं पाई है। वो मंजर अक्सर उसकी आंखों में घूम जाता है। बेटा, मैंने तुम्हें जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखना। जी। रुपए पैसों के मामलों में हमेशा सतर्क और सावधानी रखनी चाहिए और प्रतिदिन बही खातों की जांच करनी चाहिए और नवीनता बनाए रखना चाहिए और हिसाब किताब करते समय दो बार गणना करनी चाहिए। जी गुरुजी। कितनी बार कहा है मुझे गुरुजी मत कहा करो, बाबा कहा करो। बेटा, अब मैं तुम्हारा ससुर हूँ। वो तो है, लेकिन सत्य तो ये है गुरुजी कि प्रबंधन, खाता बही, प्रशासन सब कुछ तो आपसे सिखा है मैंने, इसलिए आप मेरे लिए सदैव गुरुजी ही रहेंगे। बाबा, मैं ये कह रहा था कि रुक्मिणी को यहाँ से ले जाने के बजाय आप लोग यहाँ रुक जाते कुछ दिन तो मुझे भी अवसर मिलता आप लोगों के साथ समय व्यर्थ करने का। जीजा जी, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको ताई के हाथ के खाने की आदत पड़ गई है और उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। ये सही कहा तुमने। बाबा, आप यहाँ भी काम लेके बैठ गए, आप आराम कीजिए ना थोड़ी देर। आपकी बेटी रुष्ट हो जाएगी और बाद में ताना मारेगी कि पिताजी आए, आपने आतिथ्य करने के बजाय उन्हें काम पे लगवा दिया। बेटा, खाता बही के प्रविष्ट में शायद कुछ गलती हो गई। अंग्रेज सरकार 3% की दर से कर वसूलती है, पर तुमने तो 5% की दर से कर वसूला है। ऐसा हुआ है? हाँ, संभवतः चूक हुई होगी।
ये सब छोड़िए ना, मैं बाद में संशोधित करता हूं। चलिए कुछ बातें करते हैं। बाद में क्यों, मैंने तुम्हें सिखाया है ना, खाता भाई की गणना दो बार करनी चाहिए। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन समय पर सुधार ली जाए वही समझदारी है। मैं अभी जांच करके सब ठीक कर देता हूं। बेटा अंग्रेज सरकार 3% की दर से कर वसूलती है, पर तुमने तो 5% की दर से कर वसूला है। अभी तो मैंने कहा ना बाबा, संभवतः कुछ चूक हुई होगी। गलती एक बार होती तो मैं समझता, पर इसमें तो सबसे 5% की दर से कर वसूला गया है। ये सब क्या है? 2% अतिरिक्त कर मैंने अपनी ओर से लगाया है। अपनी ओर से? बाबा गांव का प्रबंधन करना, परिश्रम से भरा, थका देने वाला निरस कार्य होता है। अगर परिश्रम का फल ना मिले तो परिश्रम करने से क्या लाभ? कुलकर्णी, मुझे अपने शिष्य से ये उम्मीद नहीं थी। बाबा आप इन पे तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या किया इन्होंने? कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा दवान श्रीडी का सबसे भ्रष्ट आदमी है, पर मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा यह मानना था कि मेरे दवान होने से पहले वो मेरा शिष्य है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। आज मालूम हुआ वो सब सही थे और तुम्हारा पति गलत, ये भ्रष्ट है। भोले भाले ग्रामीणों से अतिरिक्त कर लेकर ये अपनी तिजोरी भर रहा है। लड़की के पिता हैं आप, झुककर रहना सीखिए। मेरी बदकिस्मती थी कि तुम जैसे भ्रष्ट को अपनी बेटी दी। अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं, इतना ही पछतावा हो रहा है तो अपनी सुपुत्री को ले जाइए अपने घर सदैव के लिए। ओ। चलो बेटी, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सिटी की जनता को धोखा दे सकता है, वो कल को तुम्हें भी धोखा दे सकता है। वापस चलो मेरे साथ। रुक्मिणी, तुम्हें यहां से जाना है या नहीं ये तुम्हारा निर्णय है। लेकिन मेरा बेटा केशव मेरे पास रहेगा, ये मेरा निर्णय है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएगा, ये खुद उसे लेकर आएगा। तो अगर नहीं लाया तो मैं कानूनी तौर पर तुम्हें दिलवा दूंगा। चलो मेरे साथ। बाबा, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। एक दिन तो क्या, एक पल
पल भी इसके बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। अपने पति के अपराध में उसका साथ देने का फैसला किया है तुमने? ठीक है, अगर तुमने निर्णय ले लिया है तो इसके साथ ही रहो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना रुक्मणी, तुमने गलत आदमी का साथ दिया है, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी नहीं। मैं समझ लूंगा मेरी बेटी थी ही नहीं। बाबा एक शब्द नहीं सुनना मुझे, चलो यहां से, जाओ जाओ, रोकूंगा नहीं आपको। लेकिन जाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लीजिए, दोबारा इस घर की डैडी को लांघने का प्रयास किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कभी मेरे संबंधित थे। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारी ड्योढ़ी पर। तो क्या मैं कभी शिरडी की जमीन पर पैर नहीं रखूंगा? ये श्रीपाद जोशी का वादा है, ये श्रीपाद जोशी का वादा है। चलो केवल आपके गुस्से के कारण केशव अपने नाना नानी से कभी नहीं मिला। सच तो यह है कि उसे पता ही नहीं कि उसके नाना नानी है भी या नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और मां को उसकी बेटी से जुदा कर दिया था आपने, अलग कर दिया था आपने। सिर्फ आपकी वजह से आपकी पत्नी सावित्री ने अपनी लाडली बेटी रुक्मिणी को पिछले 8 साल से नहीं देखा है। जानते हैं आप, बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है उन्होंने रुक्मिणी को। ये सब आपको रुक्मिणी ने बताया? साई को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती। साई मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आदर्शों में इतना कठोर, इतना जिद्दी और विवेकहीन हो गया कि अपने बेटी की दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाया। मैं वो 8 साल वापस तो नहीं ला सकता साई, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि जिस तरह रुक्मणी को पाल के बड़ा किया था उसी तरह इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करूंगा। बस आप उसे ठीक कर दीजिए साईं, इसे ठीक कर दीजिए। माफ कीजिएगा श्रीपाद जी, पर मैं इस बच्ची की चेतना लौटाने में असमर्थ हूं। केवल एक ही व्यक्ति है जो इस बच्ची की चेतना वापस लाने में सक्षम है।
सुनो, ये हरिभाव का कुर्ता है, इसे पहनना है तुम्हें। मैं हरिभाव के खेत की तरफ जा रहा हूं, तुम्हें पता है ना किसके घर जाना है। साई, हम यहां क्यों आए? आप लोगों से विनती है कि आप लोग थोड़ी देर यहीं रुकिए। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने बदले में क्या किया? मुझे ये सड़ा हुआ अनाज दिया है। मैंने जो तुम्हारे साथ सौदा किया था वो मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सड़ा हुआ अनाज अगर मैं अपनी मिल के कर्मचारियों को खिलाऊंगा तो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। अरे, ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं आप? देखिए, आप उम्मीद मत हारिए, असलम की शादी को अभी काफी वक्त है, तब तक कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा ना। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि प्रतियोगिता भी खत्म नहीं हुई है? लेकिन प्रतियोगिता का क्या फायदा? इनाम की रकम तो गांव के खजाने में जाएगी ना, और बात पैसों की नहीं है, मेरी बदनामी की है। ना जाने कौन मेरा नाम खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। इससे पहले कभी मेरे अनाज में कोई शिकायत नहीं आई, और आज जब पहली बार इतना बड़ा सौदा हाथ लगा तो मेरा अनाज सड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? किसी ने जानबूझकर मेरे अनाज में कुछ मिला दिया हो। आपको याद है, साई ने हमें सावधान रहने की हिदायत दी थी। अब भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हरी भाव? हाँ, वो हरिभाव था, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं आया? कोई और होगा, आपको गलतफहमी हुई होगी। अरे नहीं बेगम, उसने वही कुर्ता पहन रखा है जो पिछली दिवाली में मैंने उसे तोहफे में दिया था। जब वो यहाँ तक आया तो बगैर मिले क्यों चला गया? आखिर वो यहाँ क्यों आया था? प्रणाम साईं। ये बच्चा किसका है? साईं,
ये बच्चा कौन है? और इसका शरीर इतना ठंडा क्यों पड़ा है? कौन हो तुम? तुम्हें देखकर मुझ में इतना अपनापन क्यों मर रहा है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.